हल्द्वानी में जैसे ही फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्णय दिया गया कि स्टे ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद से जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आगे और बड़ी लड़ाई है, उसके ये लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा उसके साथ ही साथ तैयारी भी करनी होगी कागज। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा 2006 और 2016 में जो हमसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि ऐसी माहौल 2006 में था, ऐसी माहौल 2016 में था और ऐसी माहौल 2023 में है। दोनों बार हमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हर बार स्टे दे रहा है, क्योंकि हम लोग सही हैं। हल्द्वानी के लोगों को फिलहाल बेघर होने के खतरे से राहत मिल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले जमीन के स्वामित्व के रिकॉर्ड पर सुनवाई होगी, उसके बाद लोगों के पुनर्वास की बात की जाएगी। रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए कि लोगों को उनके घर से निकालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स मंगाना क्या सही है। अदालत के सवालों का जवाब देते हुए सरकारी पक्ष ने कहा कि रातों रात किसी को नहीं हटाया जा रहा, हर प्रक्रिया का पालन किया गया है, किसी ने पुनर्वास या जमीन पर स्वामित्व का दावा पेश नहीं किया है। रेलवे की जमीन का सीमांकन हो चुका है और विकास के लिए रेलवे को अपनी जमीन की जरूरत है। हालांकि प्रभावित पक्ष ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ रेलवे की 29 एकड़ जमीन का विवाद है, लेकिन रेलवे अब पूरे 78 एकड़ जमीन पर कब्जा खाली कराने की कोशिश कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि इस यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा। देखिए, उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि क्योंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। हल्द्वानी के लोगों को बेघर होने से फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी अदालत में जमीन के स्वामित्व और पुनर्वास की लड़ाई शुरू होगी। विवाद यह है कि 2016 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसके बाद 2022 में हाईकोर्ट से फिर अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई गई। हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष से आपत्तियां मांगी, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई जो खारिज हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया। उसके बाद सरकार ने अखबार में विज्ञापन देकर 9 जनवरी तक इलाका खाली करने का फरमान सुना दिया। 1 जनवरी से लोगों को नोटिस भी दिए जाने लगे थे और बड़ी तादाद में फोर्स भी बुला ली गई थी। अब लोगों की शिकायत है कि वो जमीन रेलवे की नहीं, कुछ लोग पीढ़ियों से रहती जमीन पर रहते आ रहे हैं, कुछ ने सरकार से नीलामी में जमीन खरीदी है और कुछ लोग नजूल की जमीन पर रह रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट हल्द्वानी स्टेशन के पास नजूल की जमीन का दावा खारिज कर चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात सामने आ रही है